कि एक बच्चा जब होता है तो आपने एक पेन, एक बार वो पेन ले लिया और बात है ना वहीं की वहीं खत्म हो गई है, दोबारा बच्चे कि आप एक की जगह दो बच्चे कर रहे हो ना, मतलब आप अपनी जो अपब्रिंगिंग एक्सपेंसेस उसको डबल कर रहे हो, तीन मतलब ट्रिपल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि स्कूल में उसकी लड़ाई हो गई अब यार मैं अपने भाई को बुला के लाऊंगा, ना ना ना, अब तो बेटा तेरे को अकेले ही देखना, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। Hey guys, हम लोग हैं रिलेशनशिप हैकर्स और हमारा काम है आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने एक्सपीरियंस के साथ। और आज हम बात करने वाले एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि भैया बच्चे कितने करने चाहिए, क्या बच्चे दो तीन इतने करने भी चाहिए। देखिए हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है कि हमने एक ही बच्चा किया और हमने वहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया और इसका बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये बताएंगे कि आपको एक ही बच्चा क्यों करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है ना वो पॉइंट है कि भैया आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हो ज्यादा अपनी वाइफ के साथ या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ। ये इसीलिए क्योंकि आप जब एक ही बच्चे के साथ हो गए तो इसका मतलब ये है कि आप दो दो बच्चों के बीच में स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। अब क्योंकि उस एक बच्चे का एक फेज होता है जो 2.5 से 3 साल तक फेज होता है, उसका स्कूलिंग जाना शुरू हो जाता है, तो यानी कि उसके बाद आप अपनी लव लाइफ में भी वापस आ जाते हो जल्दी से। अब उसके बाद अगर दूसरा बच्चा हो जाए तो आप सोच के चलो 2 साल 3 साल का गैप दे दोगे तो फिर उसके बाद फिर से एक दोबारा साइकिल शुरू हो जाएगी नए बच्चे की, यानी कि आपकी लव लाइफ और ज्यादा सफर करेगी, वहां पर आप बच जाते हो एक बच्चे के साथ। दूसरा पॉइंट है प्रेगनेंसी का जो पेन होता है वो आपको दोबारा से नहीं लेना पड़ेगा। प्रेगनेंसी की एक तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, 9 मंथ्स की ड्यूरेशन होती है, फिर उसके बाद में लेबर पेन होता है विच इज़ लाइक कि पूरी जान निकल जाती है एक बच्चे को पैदा करने में, फिर उसके बाद में स्टिचेस और बहुत सारा पेन होता है। तो बेटर है कि एक बच्चा जब होता है तो आपने एक पेन, एक बार वो पेन ले लिया और बात है ना वहीं की वहीं ख़त्म हो गई है, दोबारा बच्चे को करने की हिम्मत जुटानी पड़ती है कि भाई यार हमें दोबारा बच्चा करना है, वही सारा पेन, वही सारी चीज़ें, वही प्रोसेस। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी हुई है तो क्या गारंटी है कि दूसरी प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ ही चली जाए। कोई गारंटी नहीं होती कब प्रेगनेंसी, कब बीच में, कब कौन से मंथ में ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी हमेशा स्ट्रेट लाइन की तरह स्मूथ नहीं चल रही है, बहुत ऊपर नीचे होते हैं, कभी बीपी, कभी नोज़िया, कभी कभी कुछ, कभी बच्चा घूम गया, तो फिर उसमें क्या करें। तो ये सारा पेन जो है वो आपने एक बार ले लिया, दैट इज ओके। पॉइंट नंबर 3, आप अपने एक्सपेंसेस को डबल नहीं करने वाले। वेल देखो बच्चा एक तो इसका मतलब स्कूलिंग होगी तो एक स्कूल में, अगर बच्चे दो तो यानी कि दो दो स्कूलिंग की फीस लग रही है। सिमिलरली घर में खिलौना ला रहे हो, एक बच्चे की जगह दो बच्चे, मतलब एक का भी सोचना है उसका भी सोचना है, उसको भी चाहिए एक ही बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, अब दो दो बच्चों की बर्थडे और पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप एक की जगह दो बच्चे कर रहे हो ना, मतलब आप अपनी जो अपब्रिंगिंग एक्सपेंसेस उसको डबल कर रहे हो, तीन मतलब ट्रिपल कर रहे हो। मतलब ये कि एक बच्चे के साथ आपने अपना पेरेंटहुड भी सेटिस्फाई कर लिया, आपने बच्चे को अपब्रिंग भी कर लिया, लेकिन अपने एक्सपेंसेस को मिनिमल रखा, विच इज 1। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपने ऊपर फाइनेंशियल लोड ऐसा नहीं क्रिएट करना चाहते हो जिसके बाद जिंदगी आराम हो जाए, आप कोई ट्रिप वेकेशन प्लान कर रहे हो, आपने कहा फ्लाइट टिकट बुक करनी है, अरे भाई अब चार चार बच्चे हैं, तीन तीन बच्चे हैं, दो दो बच्चे हैं, डबल हो गया ना, यहाँ पर एक ही बच्चा होता तो आप मियाँ बीवी और आपका बच्चा, तो वही है कि एक्सपेंसेस कंट्रोल में हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं एक ही प्रेगनेंसी में, और ये हार्मोनल चेंजेस सेटल होते हैं जब आपकी ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो जाती है, यानी कि हार्मोनल चेंजेस जब से आपने कंसीव किया और जब तक आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तब तक आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एक तो डिलीवर करने के बाद में हमारी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, फिर उसके बाद में जब तक आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, साल भर तक करा रहे हो, तो कम से कम आपका 2 साल जो है हार्मोन्स को बैलेंस करने में ही लगते हैं, और उसके बाद में फिर आपने दूसरा बच्चा जो प्लान कर लिया तब तो और ही ज़्यादा, ये ड्यूरेशन 2 साल की जगह 4 से 5 साल हो जाता है। तो बेटर है कि एक, अगर एक बच्चा होता है तो 1.5 से 2 साल में आप अपनी बॉडी को एक लेवल तक सेटल कर सकते हैं, देन फिर उसके बाद में आपकी बॉडी प्री प्रेगनेंसी के सिचुएशन में आ जाती है। पॉइंट नंबर 5, वेल आपका बच्चा ज़्यादा जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर उसको एक शेल्फ मिलता है ना कि यार मेरा बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो खेल रहा है, अगर वो स्कूल जा रहा है, अगर आपके साथ भी वो है अपने फैमिली के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसको एक शील्ड होती है, यार मेरा बड़ा भाई देख रहा है, मेरी बड़ी बहन देख रही है, मेरे को डांटेंगे, मैं बड़ी बहन से बचवा लूँगा, अपने आपको बड़े भाई से बचवा लूँगा, तो ये शील्ड नहीं रहेगी उसके पास, वो अकेला है, ही हैज़ टू यू नो डील विद थिंग्स बाय हिमसेल्फ। ऐसा नहीं कि स्कूल में उसकी लड़ाई हो गई अब कह यार मैं अपने भाई को बुला के लाऊंगा, ना ना ना, अब तो बेटा तेरे को अकेले ही देखना, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। तो ये इंडिपेंडेंस ना ज्यादा जल्दी आती है अगर वो बच्चा अकेला है तो। पॉइंट नंबर 6, नो सिबलिंग राइवलरी, यानी कि अगर एक बच्चा होता है तो वो सब
सबका दुलारा होता है, सब उसको पैम्पर करते हैं, हाथों हाथों में रखते हैं बिल्कुल, और उसको ऐसे लगता है बिल्कुल ही कुशन कुशन में उस तरीके से रहता है, जो मर्जी चाहे वो करता रहता है, अपनी टैंट्रम सना थ्रो करता है। बट जहाँ पर दूसरा बच्चा आता है तो उसको एक सेफ और इनसिक्योरिटी होती है, उसको लगता है मेरा प्यार बढ़ गया, मेरे को जो पैम्पर किया जा रहा था अब सारी वेटेज उसी को दी जा रही है, उसी के ऊपर फोकस है। तो उसमें क्या होता है कि बड़े बच्चे के अंदर है ना मेंटली और दिल पे उसके डेंट लग जाता है, और उसकी वजह से वो छोटे वाले बच्चे के साथ में खुंदस खा जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ये लड़ाई तो तब हुई कि जब वो बच्चा जो है, जो छोटा जो अभी अभी आया है, उसको मदर को पूरा पूरा केयर करना है, तो वहीं से जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले बच्चे को तो पता नहीं कि उसको कितना प्यार मिला, उसको ये दिख रहा है कि दूसरे बच्चे को कितना प्यार मिल रहा है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते तो आपस में कहीं कहीं लोग भी कंपैरिजन कर देते, कई बार पेरेंट्स भी कंपैरिजन करते जो कि बहुत गलत है। तो जब पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं फिर वो अलग मेंटल डेंट हो गया, उनको दिल पर चोट लग गई कि भैया मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। तो अगर एक ही बच्चा होता है ना, आप उसको डांट लो, आप उसको कुछ बोल दो, आप उसको प्यार कर लो, पैम्पर कर लो, वो उसके लिए सब सही है, क्योंकि उसी के साथ में हो रहा और किसी के साथ में हो नहीं रहा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है कि बच्चा जो होता है ना, अपनी मदर का जो लव है वो किसी और के साथ में, इवन फादर के साथ में भी अपनी मदर को शेयर नहीं करना चाहता। पॉइंट नंबर 7, वेल आपको रेफरी बनने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों के बीच में। वेल देखो, बहुत नॉर्मल सी बात है, मेरे भी सिबलिंग्स हैं और मेरे भी बचपन में बड़े झगड़े होते थे मेरी बहनों के साथ। पॉइंट ये है कि भाई अगर घर में बच्चे होंगे, ऑब्वियसली 2 या फिर 3, तो भैया सिंपल सी बात है, आपस में झगड़े होना तय है, और इसका मतलब माँ बाप आधे टाइम पर यही सॉर्ट आउट करते रहेंगे, यानी कि उनकी वैसे काम की आफतें अलग, दूसरे और टेंशन अलग, और उसके ऊपर आप बच्चों के झगड़े सुलझाते रहो तो ये एक कलेश भी आप कट कर देंगे। अगर बच्चा ही एक होगा, नेचुरल सी बात है, आप ही उसके फ्रेंड्स होंगे तो उस तरीके तो कलेश होने नहीं है, लेकिन एक फर्क आ जाएगा कि भैया आपको अपना मेंटल पीस मिलेगा, आप बच्चे के साथ फोकस कर पाएंगे उसी एक बच्चे के साथ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स को सिर्फ पेरेंट्स ही बनना है, बच्चों का एक अच्छा फ्रेंड भी बनना है, जिससे कि बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अब यहाँ पर बात होती है कि अगर एक बच्चा होगा तो एक तो वो सबका दुलारा है, पैम्पर्ड है, तो वो आपको आपके पास में जल्दी आएगा अपनी कोई प्रॉब्लम लेके, चाहे छोटी से छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे उसने कोई गलती की हो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो ईजिली एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन उसके पेरेंट्स के पास में उसको मिल सकता है, या फिर कोई भी घर का जो बड़ा है उसके पास में वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकता है, जिससे वो कनेक्टेड फील करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर दो बच्चे होते हैं तो आपस में दोनों अगर बहन भाई हैं, भाई भाई हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की जो गलतियाँ हैं या फिर कुछ भी चीज़ है वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, या फिर डरते हैं, अपने आप तक है ना उसको रख लेंगे कि ठीक है मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना, इस तरीके से करते हैं, एंड वो बात जो पेरेंट्स के पास में पहुँच नहीं होती है वो पहुँच नहीं पाती है। तो इसीलिए बेटर है कि सबसे बड़ी बात है आप अपने बच्चों के पेरेंट्स तो बनिए, उन्हें साथ साथ में उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके अच्छे फ्रेंड्स बनिए, जिससे कि वो आपसे अपनी जो दिल की बात है, जो भी उन्होंने किया है या जो कुछ भी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुल के, वो आपके साथ में एक्सप्रेस कर लें। पॉइंट नंबर 9, वेल वही जो मैंने बोला था, आप एक बच्चे के साथ उसका कंप्लीट फोकस कर पाते हो। मेरे पास या फिर इनफैक्ट जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, एक चैलेंज सबके साथ आता है कि भैया अपना काम करके आप आए हो, 6:30-7 बजे के बाद घर पहुंचे, और उसके बाद आपके पास लिमिटेड कुछ टाइम है, शायद 1 से 1.5 घंटा ही है, और वो टाइम किसको दोगे, एक बच्चे को या फिर बहुत सारे बच्चों को, 1, 2, 3? तो भैया मेरे पास वो कंफ्यूजन ही नहीं है, मुझे पता है एक ही बच्चा है, मुझे उसी को टाइम देना अपार्ट फ्रॉम माय वाइफ। तो पॉइंट यही है कि आपके पास कम बच्चे मतलब कम कंफ्यूजन, आप उसी एक बच्चे पर अपना फोकस कर सकते हो, और अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो कंफ्यूजन आपके साथ ही बढ़ेगी। इसलिए चाहे वो टाइम वाली बात हो, टाइम भी एक करेंसी होती है, तो टाइम वाली बात हो या फिर मनी वाली बात हो, दोनों एंड से एक बच्चा मतलब एक ही फोकस, कोई टेंशन कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्ट पॉइंट, आपको अपने लिए ना टाइम मिलता है एक बच्चे के साथ में। अगर बच्चा जब छोटा होता है, बिल्कुल 0 to 6 months के आसपास में होता है, तो फिर आप अपने पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं, या फिर घर में कोई भी बड़ा है अपने इन-लॉज की भी हेल्प ले सकते हैं कि ठीक है थोड़ी देर के लिए इसको देख लीजिए, मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर लूँ, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे मुझे सोना है, या फिर कुछ भी करना है, जो भी मेरे को अपने लिए सेल्फ टाइम चाहिए वो मैं कर सकती हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो 6 months की तो मैटरनिटी लीव मिलती है, उसके बाद में अगर आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है तो बहुत ज़्यादा आप गिल्टी कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि मैं अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर है ना ऑफिस जा रही हूँ। और उसकी वजह से कई बार होता है कि फीमेल्स जो हैं अपनी जो करियर होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपना जॉब को छोड़ देती हैं या अपना करियर पर वहीं उनके फुल स्टॉप आ जाता है। एंड देन जब वो सोचते हैं, जब वो 2-3 साल का बच्चा होता है, जब सोचते हैं कि ठीक है मेरे को अब है ना वापस से करियर शुरू करना होता है, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जहाँ पर 2 बच्चे हुए, एक बच्चा हुआ नहीं, वो स्कूल गया, फिर उसके बाद में दूसरे बच्चे को आपको मैनेज करना है क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसको वो सारी
हैबिट सिखानी है, उसको पॉटी ट्रेन, उसको सुसु ट्रेन, उसको खाना पीना सारा सब कुछ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक आपको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है। ऑलराइट, तो ये रहे हमारे 10 पॉइंट्स कि भैया बच्चा एक ही अच्छा, ये हमने प्रूव भी किया अपनी लाइफ में और हम आपको एडवाइस करेंगे। वेल देखिए, कई लोगों के दो बच्चे होंगे, आप में से जो हमें देख रहे हैं हो सकता है बहुत लोगों के ऑलरेडी हो, तो ठीक है वो आपकी अपनी चॉइस है। हमारे पास वो रीजंस थे जो हम एडवोकेट करते हैं हमेशा से, और दैट्स व्हाई हमने अपनी लाइफ में इस चीज़ को इंप्लीमेंट भी किया कि हमारा एक ही बच्चा। और एक और बोनस पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, देखिए आज की डेट में ना जो लाइफ है वो ऐसी हो गई है कि एजुकेशन और करियर और फिर शादी ये थोड़ा लेट होती है। इसका मतलब ये है कि आप बच्चा भी लेट करते हो, तो अगर आप ऑलरेडी बच्चा लेट कर रहे हो, इट्स वेरी नॉर्मल नाउ कि औरतें 30 को क्रॉस करने के बाद ही अपना पहला बेबी डिलीवर कर रही हूँ। तो पॉइंट ये हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आप पहले ही लेट डिलीवरी कर रहे हैं तो फिर नेचुरल सी बात है कि एक बच्चा ही करें तो ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि सेकेंड बेबी अगर आप और लेट एज में करेंगे गैप दे के तो भैया कॉम्प्लिकेशन बढ़ भी सकती है। तो एक बोनस पॉइंट था ये, कुछ 11 पॉइंट्स हमारे थे जिस वजह से हमने एक बच्चा किया। हम आपको एडवाइस करेंगे एक बच्चा करें, और आपको कोई भी और ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद इस वीडियो में कवर नहीं हुई तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉर्म को भरें और हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं 1-to-1 मेल से मेल्स या फिर मेरी वाइफ से फीमेल्स। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।